हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। हाँ मैंने कहा ना, मैं दवाइयाँ ठीक से ले रही हूँ। मैं ठीक हूँ माँ। बेटा खुद को संभाल, बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं होता। हिम्मत रख, गुजर जाएगा। तू तो हमारा स्ट्रांग बच्चा है ना। जो कुछ हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं, वो सिर्फ एक हादसा था। और हादसों से जिंदगी नहीं रुकती। याद है ना पापा क्या कहते थे तुझे, मेरी शेरनी जो किसी से नहीं डरती। तू बस अपना ध्यान रख, देखना वक्त के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे सुनो, देखो तो ये वही है क्या? वही लग रही है। कौन दीदी? अरे वही, वो खबर नहीं सुनी तुमने? हाँ वही तो है ये। अच्छा वो? हाँ, बड़े दिन के बाद देखी आज। कितना बुरा हुआ इसके साथ। भगवान किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। मुझे तो पढ़ के बहुत बुरा लगा। इस बेचारी ने तो झेला है सब। अकेली औरत की ज़िंदगी तो ऐसे ही बड़ी नरक होती है, ऊपर से ये हादसा। मुझे तो डर लगता है किसी दिन इसकी आत्महत्या की खबर भी ना हो जाए। कैसे ठीक होगा सब कुछ माँ? लोग मुझे बोलने देंगे तब तो ठीक होगा ना। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर क्या मुझे अपॉइंटमेंट मिल सकता है? जी जी, थोड़ा जल्दी अगर मिल सकता है तो। आप नहीं, मैं दवाइयाँ ले रही हूँ डॉक्टर। आई एम नॉट स्किपिंग एनी ऑफ माई डोजेस जी। लेकिन अगर अगर जल्दी मिल सकते तो। ओके ठीक है, फाइन डॉक्टर, I'll wait. देखिए मैडम, मैं आपको कब तक ट्रीट कर पाऊंगा? आपका इलाज अब दवाइयों में नहीं है। आपको बाहर निकलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, आपको खुली हवा में सांस लेना चाहिए। आप बिजी रहिए मैडम। हाँ तो मेरा सवाल है, आई एम ऑलवेज अ वन कॉल अवे, योर डॉक्टर इज ऑलवेज देयर।
ओके डॉक्टर, आई ट्राई माई बेस्ट डॉक्टर, लेकिन अगर आप जल्दी मिल लेते तो कोई बात नहीं डॉक्टर, आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी। देख रही हैं मिसेस गुप्ता कितनी बेशर्म है, इतना सब होने के बाद भी कितनी बेशर्मी से हंसी आ रही है। ज़रा भी शर्म होती ना तो मुँह छिपा के घर में बैठती। क्या मिसेस शर्मा, कैसे लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? अरे ये कांड होते ही ऐसी लड़कियों के साथ हैं जो ज़्यादा उड़ती हैं। हमारे घर में भी तो बेटियाँ हैं, साफ अंतर नज़र आता है। अरे माँ बाप ने थोड़ा कंट्रोल में रखा होता तो आज इतना उड़ती नहीं। मैं तो कहती हूँ ये लड़कियाँ समाज को और गंदा कर रही हैं। मेरी बेटी ऐसी होती ना तो मैं तो अपने हाथों से जहर देती, सच बता रही हूँ। मैं तो अपने हाथों से जहर देती सच बता रही हूँ। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है मुझे, मर जाना ही अच्छा मेरे लिए। वो कहते हैं ना मर जाना अच्छा, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। सही कह रहे ये लोग, मैं मर जाऊँ तो वही अच्छा है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। नहीं जीऊँगी मैं, जी के करूँगी क्या मैं, मुझे जीने का कोई हक नहीं। मुझे जीने का, मैं नहीं जीना चाहती। हेलो, हाँ मुझे ऑर्डर देना था, होम डिलीवरी मिलेगी ना? ओह अच्छा, अब ठीक है, ओके। अरे नहीं मैडम, होम डिलीवरी नहीं हो पाएगा मैडम, अभी क्या इधर रश बहुत है ना, तो फिर क्या है ऑर्डर बहुत लगा हुआ है, रश बहुत है तो अभी डिलीवरी नहीं हो पाएगा मैडम। आप एक काम करो ना मैडम, आप खुद ही आ जाओ, आप खुद ही आके ले जाओ मैडम। हाँ हाँ मैं आ जाऊँगी, मैं थोड़ी ना डरती हूँ, मैं आ जाऊँगी।
अरे देख 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 देख, कॉलोनी वाला माल। अरे चेहरे पे कुछ भी हो, लेकिन ऐसी औरतें होती हैं ना, अंदर से बड़ी डेस्परेट होती हैं यार। एक बार बस हाथ में आ जाए ना, जैसे दूसरों का भला किया है इसने, हमारा भी भला कर दे बस। सही कहा भाई, आइटम को देख तो जरा, अगर इसे खबर ही छपवानी थी तो हम ही छपवा देते इसकी खबर। चेहरे से तो बड़ी मासूम दिखती है, खैर छोड़ हमें क्या, हमें तो बस एक बार। मैडम, ओ मैडम, ओ हेलो मैडम, अरे जरा इधर तो देखो मैडम, अरे मैडम एक बार मैडम, अरे मैडम एक बार तो देखो इधर। पाबंदियां लगाई जाती है, लेकिन लड़कों को खुले सांड की तरह रखा जाता है। अरे ऐसे ऐसे जानवर जानवर होंगे तो लड़कियां कैसे सेफ होंगी? मेरा बस चले तो इन्हीं जानवरों को मैं। वो अनगिनत काली रातों के बाद में वो सुबह जरूर आती है जो आपको बताती है कि नहीं, तुझे उठना होगा, तुझे फेस करना होगा इस दुनिया को, इन हालातों को। ये जो शोर होता है ये बाहर नहीं होता, ये हमारे खुद के अंदर होता है। वो सुबह आपको सिखाती है कि आपको खुद से लड़ना है और जीतना है, क्योंकि अगर आप इस शोर को सुनते रहे तो आपकी आत्मा को, आपकी स्पिरिट को खत्म कर देगा। आपको एक चीज समझ में आएगी, सबसे ज्यादा आप जिससे प्यार करते हैं वो आप खुद हैं। आपको वही आवाज सुननी है जो आपको आगे बढ़ाए, आपको जगाए, आपको मजबूर करे कि आप खड़े हों दुनिया के सामने एज अ विनर। एक और चीज याद रखना पड़ेगा कि इस शोर में आपको वही आवाज सुननी है जो आपकी अपनी है, और उस दिन मैंने भी वही आवाज सुनी, और वो थी बेटा, जिंदगी में ऐसे कई दौर आएंगे, कई हालात ऐसे आएंगे जहां तू अपने आप को कमजोर महसूस करेगी, टूटा हुआ महसूस करेगी, तुझे लगेगा कि तू हार गई, पर तुझे हारना नहीं है, हाँ तुझे खड़े होना है, तुझे जीतना है। और मुझे पता है मेरे बच्चे की ये तू कर पाएगी, क्योंकि तू तो मेरी शेर है, है? मुझे तुझ पे हमेशा से गर्व रहा है बेटा। और एक बात याद रखना बेटा, अपने आप को कभी अकेला मत समझना, हमेशा मैं तेरे साथ हूं। हाँ मेरे बच्चे, तेरे बाबा तेरे साथ है,